तो गुरु जी एंट्री लेते ही जैसे कि मैं सेलिब्रिटी की तरह इनके बीच में घुस चुका था और इन्होंने फोटोज वीडियोज और अपने चैनल का प्रमोशन करवाना शुरू कर दिया था और गेट पर भी कुछ ऐसी भी देखने लगी थी। गार्ड को पर्सनली लेने आना पड़ा। अपन जानते हैं कि हम सबके अपने अपने गुरु होते हैं। हमारे बीच में गुरु आ चुके हैं जैसे तो देवेंद्र सर, जिसको मैं बहुत सालों से देखता आ रहा हूँ। भाई साहब आज इनसे मिलने का मौका मिल रहा है मुझे और यकीन नहीं हो रहा है कि सर जी बिहार से आ गए। काम आने वाला है सर, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। भाई साहब बहुत बड़े वाले अपन सबसे मिलेंगे, बन रही है भाई के साथ। चलिए अंदर क्यों चलते हैं और फुल मजे करते हैं। ओके और गुरु जी है तुम्हारा गोल्ड बैच और ये तुम्हारे हाथ में, मतलब मेरे हाथ में एक बैंड लगा दिया गया ताकि पहचान में आ सके कौन गोल्ड है कौन प्लेटिनम है। ठीक है, हालांकि इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। तुम्हारा भाई आके बी आई पी में बैठा था गोल्ड होने के बावजूद। यहाँ से एंट्री थी और अंदर घुसते ही भाव सब क्या माहौल देखने को मिला यहाँ पर। और सामने जिन्नू भाई की फोटोग्राफी हुई थी। मैं सोचा मैं भी जाऊँ पर मैं भीड़ बहुत थी, इसे तुम्हारा भाई आगे नहीं गया। फिर मैंने यहीं पर जो है मजे लेने का प्लानिंग किया। फिर यहाँ पर दिव्य प्रज्वलन हुआ और लोगों ने जो है मस्ती वगैरह शुरू कर दी। मतलब देख सकते हो कितना ज़्यादा मतलब यूज मतलब बड़ा कार्निवल था ये, जिसको देख करके लोग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे थे। मतलब लोग चिल्लाने से थक नहीं थे। शाम तक लोगों में जो एनर्जी भरी भरी थी। देख सकते हो कितना ज़्यादा क्राउड है ये। कि जब लाइफ में बनना हो हीरो तो ज्यादा मत सोचो है मेरे वीरो, जब लाइफ में बनना हो हीरो तो ज्यादा मत सोचो है मेरे वीरो, बस शुरू करो लर्निंग स्टार्टिंग फ्रॉम द थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच इतना प्यार सम्मान सपोर्ट देने के लिए, इस भव्य समारोह का पार्ट बनने के लिए दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब बारी आती है हमारे अमरीश भैया की। अमरीश भैया ने जो आज कारनामा किया है इतने सारे क्रिएटर्स को इकट्ठा करके फोन कॉल करके सभी को एक शब्द के नीचे लेकर आए हैं, तो इसके लिए मैं आपको सैल्यूट करता हूं। क्या मैं
कैसे हो आप लोग? और देखो मेरे साथ कौन है, हमारे बिहार का लाल मेरा भाई आदर्श आनंद, मतलब जिसको मतलब मैं देख रहा था, मुझे पता था कि आने वाले हैं, लेकिन मैं मतलब वैसे ही जैसे महात्मा जी से मिलकर मैं एक्साइटेड था ना, बिल्कुल वैसे ही इनसे मिलकर एक्साइटेड हूँ यार। बहुत बहुत शुक्रिया मेरा भाई, लव यू। और भाई बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही क्यूट हैं, और इनके क्यूट से चैनल को प्यारे से चैनल को प्यार दीजिए। अरे आपने प्यार नहीं दिया तो कौन देगा, मार देंगे भाई को। बहुत बहुत प्यार है, थैंक यू। और दिल से मोहब्बत आपको, काम करते रहिए भाई, बहुत अच्छी चीज़ है, हौसला चाहिए और ये हौसला एकदम बुलंद रखिए एकदम। मैं पूरा ना इंडिया मतलब सोलो ट्रैवल करने वाला हूँ, पैदल ही, ठीक है ना, पैदल चल रहा हूँ, इंडिया को देखने वाला हूँ, अभी अभी स्टार्ट करूँगा इस के बाद। और मैंने 7 स्टेट कम्प्लीट कर लिए, ठीक है, और 3 सोलो किए मैंने, ओहो, और 2 साल से ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, देख रहा ना भाई पूरा एकदम आग लगा के रखे हैं। सो भाई भाई को प्यार दीजिए, मोहब्बत दीजिए, एंड लव यू मेरा भाई, थैंक यू सो मच, दिल से मोहब्बत, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। गुरु इंग्लिश याद है, वो इंग्लिश जिससे हम सभी डरते हैं, वो इंग्लिश जिसे पढ़ने वाले जो है हमारा खौफ निकल जाता है। और मुझे तो आज भी अपने स्कूल की वो इंग्लिश वाली टीचर याद है, जो भाई साहब आती थी और डंडे बजाती थी। और हमारे बीच में जो कौन है, सरताज सर, ठीक है, हम सबके सरताज, मतलब जिन्होंने हमें इंग्लिश सिखाया, ये सर जी हमारे साथ में है, मतलब और मतलब देख सकते हो सर, मैं क्या बोलूँ इनके बारे में, कितना वो लोग कम है, मैं कुछ तारीफ नहीं करता सर जी। सर तो आपने बोल दिया, इतना बढ़िया बढ़िया बोल दिया, मज़ा आ गया सुन के आपको, और इतना बढ़िया कॉन्टेंट आप बनाते हैं, और इतनी इंस्पिरेशन है आपके अंदर कि कई बार आपका कैमरा देख के मैं सोच रहा था टाइम है कि मैं कैमरे में आ जाऊँ, और वही हुआ। थैंक यू सो मच जी सर, थैंक यू सर, और एक फोटो भेज दें सर, ओके सर जी। आओ मेरी जान, देखो मेरे साथ कौन है, फटाफट से इनको बोल दो चैनल सब्सक्राइब करने के लिए, इतने गंदे नहीं, मैं 2 साल से वर्क कर रहा हूँ यूट्यूब पे, ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, 700 सब्सक्राइबर किए ने मेरे भाई सर, बोल रहे सब्सक्राइब कर दो फटाफट से, ठीक है ना भाई, दूसरे साल इनको बोलो सब्सक्राइब करें, मैं सब्सक्राइब शेयर करो पहले, उसके बाद सब्सक्राइब करो, इनकी पिटाई करो अगर ये सब्सक्राइब नहीं कर रहे सर, 2 साल हो गए सर, यकीन कर लेना भाई, ठीक है ना, सब्सक्राइब कर देना, इन्होंने बोल दिया है। हाँ मेरी जान, देखो मैं घूमते घूमते यहाँ पे आया था, और मेरे सामने कौन है, योगी जी, वो गुरु जिससे हमने सारी शिक्षाएं ली, सारी चीजें सीखी हैं, इन्हीं का चैनल देख देख करके मैंने सारे SEO किए अपने वीडियोस के, और देख सकते हो और मेरे सामने खड़े हैं, मेरे को मतलब सच में यकीन, जैसे महात्मा जी से मिलकर मैं कंफ्यूज था, ऐसे इनसे मैं कंफ्यूज हूँ, सच में है कि नहीं, एक बार देख लो ये है एक बार गले मिलना चाहूँगा इनसे, सच में मुझे ना हर किसी से मिलकर मतलब पता नहीं, मेरे को लगा भैया मैं मूवी की नहीं, मुझे पता नहीं चल रहा है, अब बस इनसे बस एक फोटो ले लेंगे साथ में अच्छी सी। ये कैमरा देख के नहीं भूलते। ऑलराइट, सो लेट्स मूव ऑन और अपने फाइनल कंक्लूजन की तरफ आगे बढ़ते हैं। मनोज के लिए इसके बाद हम सम्मान करते हैं टेक्निकल योगी को, टेक्निकल योगी को जाना चाहिए एवरीवन, टेक्निकल योगी जी, उसके बाद मैं लोगों को बचाऊंगा, धर्मेंद्र कुमार जी भाई सपोर्ट चैनल से बचाऊंगा स्टेज पर आ जाए, उसके बाद मैं पुराना जाऊंगा नियोज में के लिए, उसके बाद सागर सागर भाई, ये लगा नहीं है आपको, आप सबको भाभी को
दोनों बोल सकते हैं आप, क्योंकि एज ए क्रिएटर हम लोग को कोशिश करना चाहिए जितना ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स को आप यूज़ कर पाए उतना ज़्यादा फायदा होगा, उतना ज़्यादा आपका ब्रांड वैल्यू बढ़ेगा। एंड सो या अच्छे से आप यूज़ करो प्लेटफॉर्म के बारे में जाना कि कैसे उसको यूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं फेसबुक ट्राई किया था, आई ट्राई टू अपलोड फेसबुक वीडियोज पर चला नहीं उसमें, क्योंकि मेरा कॉन्टेंट पता नहीं क्यों न्यूज़ वाला उधर चलता नहीं। हमारा क्या चाहता पता नहीं, मैं पूछूँ या नहीं, लड़की असली होती है कि नकली? जब आया मिला ऐसा क्रिएटर मिला, लेकिन धीरे धीरे छोटे भाई की तरह मिला, जो बोला हाँ भैया इन्होंने भी वैसे ही जैसे योगी जी बड़े भाई की तरह इधर वाले बोला इधर वाले बोला वैसे ही। सबसे पहले बताऊँ बस यूज तक करके, तो मैं सबसे पहले टिकटॉक का ट्यूटोरियल दे रहा था इस तरीके से 7 लाख सब्सक्राइबर गेन कर लिए, और आपको पता है सडनली न्यूज आई टिकटॉक बैन, और मेरा चैनल शिफ्टिंग में कितना टाइम लगा? सब शिफ्टिंग का बताता हूँ, शिफ्टिंग में मुझे लगभग 6 महीने रेगुलर काम करना पड़ा। और एग्जैक्टली मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ऐसा काम बनाऊँ, मैं ऐसा काम बनाऊँ जो टीयर वन ऑडियंस टीयर टू टीयर थ्री हर जगह चल सके। एक ऐसा दौर भी आया कि मुझे काफी पसंद है कि दुखा ना दूं किसी का दिल, अब बददुआ से डर लगता है जब से देखा है कोई गिरता हुआ घोंसला, जब से देखा है कोई गिरता हुआ घोंसला, अब आंधी हवा से डर लगता है, और कर तो मैं भी सकता हूँ चंद सिक्कों की बेईमानी साहिब, कर तो मैं भी सकता हूँ चंद सिक्कों की बेईमानी साहिब, इंसान हूँ मुझे खुदा से डर लगता। पसंद आया तो आप तो गुरु समस्या कुछ इस प्रकार से है कि इवेंट जो है खत्म हो चुका है, शाम के 7:30 बज चुके हैं और हल्की हल्की बूंदा बांदी और ये मौसम बड़ा ही रोमांटिक और सुहावना हो रहा है, ठीक है ना। और इस सुहावने से मौसम में मस्त से मौसम है, तुम्हारा भाई अकेला है, ये इंदिरा गांधी स्टेडियम है, इवेंट जो ख़त्म हो चुका है, लोग देखो बाहर की ओर आ रहे हैं निकल रहे हैं यहाँ से फटाफट से, इवेंट बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। और बाकी जो है मज़ेदार ब्लॉग्स मज़े लेते रहो, अभी अपन यहाँ से निकलेंगे कहीं और घूमने के लिए जाएंगे, फिलहाल तुम इस ब्लॉग के मज़े लो। सारे जितने भी क्रिएटर्स हैं उन सबसे कॉन्टैक्ट लगभग मैंने कर लिया है, वो सभी भाई क्रिएटर्स तुम्हारे भाई से मिलने वाले हैं, ठीक है ना, मज़े करने वाले हैं सब साथ में, ओके। और इंटरव्यूज़ वगैरह भी होगा, जैसे कि अमरेश सर ने मेरा इंटरव्यू लिया था, ऐसे कुछ चैनल्स पर और इंटरव्यूज़ होंगे, तो मैं दुआ करता हूँ और आप लोग भी दुआ कीजिए कि आपका भाई आपकी जान मुसाफिर निज़ाम का चैनल है वो चल पड़े, दौड़ पड़े, कूद पड़े, ठीक है। ताकि देखो मैं सेलिब्रिटी नहीं बनना चाहता, बट बनना चाहता हूँ, थोड़ी सी जो ख्वाहिश है, ठीक है ना, चांद तारे तोड़ लाऊँ बस इतना सा ख्वाब है, ठीक है। तो तुम लोग पूरा करते फटाफट से, एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मज़े करते हुए ऐसे ही।